कैपिटल बजटिंग दो वर्ड है, कैपिटल एंड देन बजटिंग। सबसे पहले बजटिंग क्या होती है? बजट हम बनाते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या होता है? और बजट काम करने के बाद बनाया जाता है या काम करने से पहले बनाया जाता है? पहले बनता है। बजट का मतलब क्या होता है? आपको मकान बनाना है तो आप देखते हैं कि आपके बजट में वो है या नहीं है। अगर बजट में होगा तो आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, और अगर बजट में नहीं होगा तो आप कहेंगे भैया अभी थोड़े दिन रुक जाओ, अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है ना? किसी को मकान नया भी खरीदना होता है तो पहले अपना देखता है भी बजट में है या नहीं है। कार खरीदनी होती है चेक करता है जी बजट में है या नहीं है। क्या मतलब है बजट का? करने से पहले चेक किया जा रहा है, काम करने से, इससे पहले कि हम रियल में कदम उठा लें और परेशानी में फंसे, पहले हमने अपना बजट चेक किया है ना। आपने मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, बाद में पैसे ही नहीं हुए तो बीच में काम रुक जाएगा, रुक जाएगा। इससे पहले अपना बजट चेक कर लें। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, बजट मैंने चेक नहीं किया, बयाना दे दिया, कल को हो सकता है पैसे इकट्ठे हो ना हो, प्रॉब्लम हो गई। वो जो पैसा मेरा दिया हुआ है बयाने का वो भी डूबेगा। तो काम करने से पहले बजट अपना चेक कर ले, है ना। क्या है प्रिय बजट, जिसको बार बार बोल रहा हूँ चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, क्या चीज है? हमें देखना है कि हमें जो खर्चा होगा वो कितना होगा। हमारा जो एस्टिमेट है भविष्य में वो काम करने के लिए, जो हमारा एक्सपेंस है उसका अमाउंट निकालना बजट है। उसके बराबर फाइनेंस है या नहीं है वो हम चेक करेंगे, लेकिन बजट का मतलब हमारे पास कितने पैसे वो चेक करनी है। मैंने तो चेक कर लिया मेरे पास है 5 करोड़ रुपए, इससे कोई डिसन हो जाएगा क्या? मैं तो चेक कर लिया मेरे पास 50 लाख रुपए, इससे डिसन हो जाएगा? नहीं। आपको देखना है कि सबसे पहले जो आप काम करना चाहते हैं उसमें कितना एक्सपेंस होगा, फिर उसके बराबर आपके पास फाइनेंस है या नहीं है। अगर फाइनेंस नहीं है तो क्या इंतजाम किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो आप उस काम को इनिशिएट करें, वरना इनिशिएट ना करें। तो बजट करने का मतलब क्या होता है? बजट करने का मतलब है भविष्य के अंदर होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना, जो फाइनेंशियल इन टर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल इन टर्म्स हैं। तो कोई भी काम रियल में शुरू करने से पहले एक समझदार आदमी को पहले क्या कर लेना चाहिए? उस काम को करने का बजट बनाना चाहिए कि मैं वो काम करूंगा तो कितनी मुझे फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिक्स असेट्स परचेज करनी पड़ेंगी, कितना मुझे उसके अंदर वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, कितने उसके अंदर अदर एक्सपेंसेस होंगे, उन सबको फ्यूचर में जो होने वाली ये फिगर है उनको ऐड करके अपनी टोटल कॉस्ट को निकालना, टोटल फाइनेंस की नीड को निकालना बजट है। अब अगर वो पैसे आपको लगता है कि इतने पैसे में काम जो होगा, मेरे पास उतने पैसे इकट्ठे करने की गुंजाइश है, तब तो मैं रियल में वो काम शुरू करूंगा, वरना मैं कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। बात समझ आ गई है? तो बजट का मतलब क्या है? अभी हुआ कुछ भी नहीं है, अभी पैसा हमारी पॉकेट में पड़ा है जो पड़ा है। हम तो सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य कैसा होगा, और हमें फिर उस अंदाजे से ये निष्कर्ष निकालना है, ये कंक्लूजन पे पहुंचना है कि हमें अब रियल में वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, आपको क्या लगता है जो आपने बजट बनाया बिल्कुल एक्यूरेट वही परफॉर्मेंस दे पाओगे? जो आपने लिखा एकदम वही फिगर आएंगी? आपने निकल लिया बजट के, हाँ जी मेरा मकान बन के तैयार होगा, ऐसे बोलता है कोई कि मेरा मकान ऐसे बन के तैयार होगा 12,70,150 रुपये, ऐसे कोई बजट, ऐसे कोई फिगर बता सकता है क्या इतनी एक्यूरेट? उसने बजट बना लिया लेकिन उसमें चलो ये फिगर आ भी गई, क्या रियल में इतना ही पैसा खर्च होगा? ये रियल में इतना पैसा खर्च नहीं होगा। आपका कुछ इसमें हो सकता है 50-60 हज़ार कम लग जाए, हो सकता है 50-60 हज़ार ज़्यादा लग जाए। जो भी आपके बजट बनते हैं वो सारे के सारे बाउंड टू फेल है, एकदम एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन वो हमें एक बहुत अच्छा फ्लो दे देते हैं जिससे कि हमें वो काम करना या नहीं करने का डिसीजन हमारा जो है वो मोस्टली जो है वो सही हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो बजट जो है ये मत सोचना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल आपने जज कर लिया, जज नहीं कर पाए हैं आप, सिर्फ उसके फ्लो को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो जो है वो होगा तो कैसा होगा। मैच शुरू होता है तो प्रिडिक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन शुरू होते हैं तो उससे पहले कि आपके एग्जिट पोल आ जाते हैं, तो क्या एक्यूरेट होते हैं वो? कभी कोई एक्यूरेट होता है क्या? नहीं, वो सारे के सारे इनएक्यूरेट होते हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं। और कई बार हमें वैसा ही कुछ कुछ, वैसा ही कुछ कुछ नज़र भी आते हैं, मोस्टली नज़र आते हैं, कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस ही होगी, अगर 100% सक्सेस है तो फिर रियल इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? तो एग्जिट पोल वगैरह जो होते हैं सब बजट है, फ्यूचर में जो आउटकम आने वाला है उससे पहले का प्रिडिक्शन है। ठीक है? तो हम ये जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें हम एक बजट बनाने वाले हैं। बजट का मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान।
भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, ठीक है। और क्योंकि हम फाइनेंस में ये बजट कर रहे हैं, इसलिए इसको फाइनेंस की टर्म्स में जो बातें होंगी सिर्फ उन्हीं को डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये बजट हम क्यों बना रहे हैं? ताकि ये डिसीजन ले सकें कि वो काम करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बजट बना के डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन शुरू होगा। खाली बजट बना लिया तो इससे कोई थोड़ी बात हो जाएगी। आपने बजट बना लिया, अब उसके बाद ये थोड़ी आपने तय कर लिया कि करना है या नहीं करना है। तो ये कैसे हम तय करते हैं कि अब उस काम को रियल में करना है या नहीं करना, वो है उसकी इवैल्यूएशन टेक्निक्स, जो कि हमें बताएंगे कि हमें ये काम करना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। वो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है जिनसे हम बाद में इसका एनालिसिस करेंगे। तो मतलब बजट के फिर दो टॉपिक होने वाले हैं, दो चैप्टर बनने वाले हैं ये। नंबर वन, सबसे पहले बजट बनाना। नंबर टू, बाद में उसका इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या है? ये डिसीजन लेना कि वो बजट हमारे को इम्प्लीमेंट भी करना है या उसे स्क्रैप कर देना है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम बजट बनाना सीखेंगे। और ध्यान रखना, अगला चैप्टर जो हम करेंगे इवैल्यूएशन, वो सारा का सारा उधार इसी से चलेगा। और सारी की सारी डिटेल जो उसको चाहिए वो इसी चैप्टर से मिलेगी। जो भी हम जानकारी इस चैप्टर में सीखेंगे वो सारी हम अगले वाले चैप्टर में क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। इसलिए ये दोनों चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है। जब तक आप बजट नहीं बना पाओगे तब तक उसका इवैल्यूएशन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बजट जब बनाते हैं तो हमें अपनी तीन तरह की एक्टिविटीज़ जो है उनके बारे में अनुमान लगाना है। ये सिर्फ अनुमान है, रियलिटी इससे अलग हो सकती है, ये सिर्फ अनुमान है हमारे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेक करनी होती है कि हमारी उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी। ध्यान रखना, अगर पहला स्टेप आपको पूरा होता नजर आए तभी दूसरा स्टेप जो है उसके बारे में जानकारी लेने का फायदा है, वरना फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 करोड़। मतलब आपके पास 50 करोड़ है, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेस बताने वाला हूँ और उसमें तुम 6 महीने में वो 50 करोड़ के 50 करोड़ रुपये कमा लोगे। से आपको कहोगे सर पास तो बहुत जल्दी कमा लेंगे, लेकिन छोड़ो, इसको सुनाने के भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास 50 करोड़ है नहीं, सुना के भी क्या करोगे? जो चीज़ ही नहीं हो सकती उसके बारे में आगे की बात क्या करनी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा पहला कदम है, जो अगर सक्सेस हुआ तो हम आगे की कहानी सुनने के लिए तैयार होंगे। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे ही फेल हो गए तो आगे की कहानी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी दूं कि चलो मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख रुपए लगेगा। आपको कहोगे सर बताओ, फटाफट बताओ, हमारे पास हो जाएगा, इतना तो मम्मी पापा से ले लेंगे, इतना तो काम बन जाएगा, बताओ क्या करना है, कितना प्रॉफिट है। अब कहानी सुनने में थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लायक फाइनेंस होगा, तभी आगे की कहानी जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। अब क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट? नंबर वन है ये, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब तुम ये प्रोजेक्ट शुरू करोगे, जो भी काम तुम करना चाहते हो उसको स्टार्ट करोगे, तो कितना पैसा तुम्हारी पॉकेट में होना जरूरी है। ये किन बातों पर डिपेंड करता है? ये इन बातों पर डिपेंड करता है, कितना तो आपको असेट्स खरीदनी है, कितने आपकी वर्किंग कैपिटल होगी, कितना आपके पास कुछ पुराना बैलेंस है, उन सारी बातों पर डिपेंड होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। इसमें कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर तुम शुरू करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि इसे तुम्हें एक नया बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करोगे? ऐसे सड़क पे तो नहीं बैठ जाओगे ना, आपको सबसे पहले एक दुकान खरीदनी पड़ सकती है या कोई फैक्ट्री खरीदनी पड़ सकती है, फिर उसमें मशीनरी इंस्टॉल करानी पड़ सकती है, उसके अंदर फर्नीचर का जो है इंस्टॉलेशन हो सकता है, कंप्यूटर खरीदना पड़ सकता है। नहीं तो बहुत सारी आपको फिक्स सेट जो है वो खरीदनी पड़ेंगी, उसके लायक पैसा भी तो चाहिए ना। फिर तो आपको कितनी वैल्यू की फिक्स सेट खरीदनी पड़ेंगी, सबसे पहले तो आपको ये मेजर करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फिक्स सेट्स क्या होगी वो आपको लिख लेनी है अपनी, उसका अमाउंट। अच्छा, कुछ फिक्स सेट ऐसी होती है जिसको इंस्टॉलेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फिक्स सेट ऐसी होती है जो लाए और रखा और काम शुरू। अगर कोई ऐसी सेट है जिसका इंस्टॉलेशन कराना होगा तो इंस्टॉलेशन में भी खर्चे देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स सेट के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा जो फिक्स, सॉरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अच्छा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के बाद आपकी ये कॉस्ट तो फिक्स सेट तो पूरी रेडी हो गई। अच्छा, दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। एक वो जो फ्रेश हम बिजनेस कर रहे हैं, जब फ्रेश बिजनेस करोगे तो सब कुछ आपको अपनी जेब से लाना पड़ेगा,
कोई आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, कोई पुरानी एसेट आपके पास नहीं होगी, सारी की सारी एसेट्स ही आपको डालनी पड़ेंगी। कॉस्ट ऑफ फिक्सेट्स, जो कि एक्चुअल में कौन सी वाली है, ये जो न्यू फिक्स सेट तुम परचेज करोगे ये वाली है। अगर तुम नया बिजनेस करो तो सारी ही न्यू होंगी तुम्हारे लिए, इवन पुरानी भी खरीदोगे तो तुम्हारे लिए तो नहीं होगी, ओल्ड भी तुमने परचेज की तुम्हारे लिए तो वो नहीं होगी। तो तुम्हारे को कितनी न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्सर की, वो प्लस उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होंगे वो। बट अगर तुम ऑलरेडी बिजनेस में हो और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे पहले हमारे पास एक मशीन थी जो मैनुअल थी, हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस मैनुअल मशीन की जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम लगाएं या ना लगाएं उसके लिए भी हम बजट बनाएंगे, भी पॉकेट अलाउ करती है तो हम डालेंगे नई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, वरना नहीं भी लगाएंगे। तो अगर आपके पास पहले से बिजनेस है और अपने बिजनेस को आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो पैसा आपको एक्चुअल में लगाना है वो ना लगाना पड़े, क्योंकि आप उस ओल्ड असेट जो है उसको बेच के भी तो कुछ मनी रिकवर कर सकते हो। से मैं कहता हूँ कि हमने 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदनी है और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन, तो ये कह रहा है कितना पैसा पॉकेट में हो तो शुरू करना बिजनेस, 6 लाख। 6 लाख है तो बिजनेस शुरू करना, वरना शुरू मत करना। मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास एक पुरानी मशीन है 2 लाख की, तो वो भी बिक जाएगी, तो इसका ना अब 6 लाख पॉकेट में होने की जरूरत नहीं है। जब 2 लाख की रिकवरी है तो 4 लाख भी है तब भी आप ये इनिशिएशन कर सकते हैं ना बिजनेस को। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हर केस में माइनस नहीं होगा, तब माइनस होगा अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है और आप उसे अपग्रेड करें। तब आप क्या करेंगे, जो सेल प्राइस ऑफ ओल्ड असेट है उसको माइनस कर देंगे। जैसे लाइक एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए की रिकवरी हो गई, तो इसका मतलब मेरे को कितना पैसा बिजनेस में नया डालना पड़ेगा, सिर्फ 4 लाख। 4 लाख रुपए अगर है तो मैं ये बिजनेस में 6 लाख की इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज और, ये जो आपने असेट बेची है, ये असेट आपकी जो बुक में वैल्यू है उसी पे बिके, ये गारंटी है क्या कि आपकी बुक अगर शो करती है कि भाई ये तो 3 लाख रुपए की है तो 3 लाख की ही बिकने, मतलब बिकना जरूरी है क्या? 3 लाख की अगर असेट है वो कितने की बिक सकती है? 2 लाख की बिक सकती है। हो सकता है आपकी बुक में ये वैल्यू 1.5 लाख हो, तब भी कितने की बिक सकती है? 2 लाख की बिक सकती है। इस केस में बुक वैल्यू है 3 लाख, आपने बेचा 2 लाख में, तो 1 लाख का लॉस हुआ, और इस केस में तो आपको प्रॉफिट भी हो गया 50,000 का, नहीं हो गया? तो आप जब पुरानी एसेट को बेचते हो तो उस केस में आपको हो सकता है कुछ इनकम या कुछ आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा? अच्छा अगर बाई चांस मैं कहता हूँ कि मैंने 1.5 लाख वाली 2 लाख में बेच दी, ये वाला एग्जांपल, तो उससे मुझे इनकम भी तो आई, एक और कितनी इनकम आई इसमें? 50,000। अच्छा गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगाती है या नहीं लगाती है? गवर्नमेंट अगर कोई इनकम अर्न कर ले तो टैक्स लगाती है या नहीं लगाती है? लगाती है ना। तो अगर मेरे को अगर इसमें इनकम होगी तो मेरे को थोड़ा सा पैसा जेब में वो रखना पड़ेगा ताकि मैं इनकम टैक्स भी भर सकूं, मेरी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी जस्ट बिकॉज मैंने अर्न किया, उस पर टैक्स भी तो देना है। अगर मैं 4 लाख रुपए लगाऊंगा तो इनकम टैक्स वाले भी 3 महीने बाद आ जाएंगे, पैसा मांगने भी कमाया उसका टैक्स भी दो, तो वो कहाँ से दूंगा? इसका मतलब अगर मैंने कुछ पैसा कमा लिया है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट तो उसका इनकम टैक्स भरने लायक कॉस्ट मेरी और बढ़ने वाली है, उतना पैसा मेरे पास और एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि मैं टैक्स भी भर सकूँ। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ये सिर्फ तभी होगा जब यहां पे आपको गेन हो गया, यहां पे अगर गेन हो गया तो टैक्स भरना पड़ेगा, उतना पैसा और आप अपनी इंक्रीज कर लीजिए, आपके पास उतना फाइनेंस भी अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है लॉस हो जाए, लॉस हो जाए तो मेरा टैक्स सेव भी तो होगा कहीं ना कहीं से, जब मैं बिजनेस की इनकम कमाऊंगा उसमें से मेरे टैक्स की थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, माइनस करना है टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल लॉस। अगर आपको लॉस हो गया तो टैक्स सेव, दोनों साइड चलेगा, वाइस वर्सा दोनों होगा, ये गेन हो गया टैक्स भरेंगे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, लॉस हो गया टैक्स सेव हो जाएगा कॉस्ट डिक्रीज भी हो जाएगी। ये डिपेंड करता है तभी जब आपके पास ओल्ड प्रोजेक्ट होगा। मैं इन सीधी चीज़ों को अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों चीज़ें तभी आएंगी जब आपके पास ओल्ड प्रोजेक्ट होगा, ओल्ड असेट्स होगी, वरना तीनों ही गायब हो जाएंगे, तीनों ही गायब हो जाएंगे। सबको समझ में बात ये? अच्छा एक चीज़ और आपको चाहिए, आपने अपनी फिक्स असेट तो ले ली, लेकिन खाली मैं मशीन लेकर बैठ जाऊँ, खाली मैं दुकान लेकर बैठ जाऊँ तो कमा सकूँगा? दुकान में डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर ली, काउंटर बहुत बढ़िया, सारा स्टाफ भी बढ़िया एकदम टिप टॉप, और वो बैठे हैं ऐसे खड़े हैं, तो मेरी इनकम होगी क्या? कैसे होती है इनकम? स्टॉक भी तो होना चाहिए,
स्टॉक होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, तभी तो मेरे को सेल करके पैसा मिलेगा। कोई शक्ल देखने के लिए तो हमारी दुकान में आएगा नहीं, ठीक है, कोई डेकोरेशन देखने तो आएगा नहीं। इसका मतलब सिर्फ फिक्स रेट इकट्ठी करने से बात नहीं बनेगी, आपके पास और क्या होना चाहिए, आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आपके कुछ कस्टमर क्रेडिट पे सामान लेकर जाएंगे, उनको फाइनेंस करने के लिए भी आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, जो डेली आपके रूटीन एक्सपेंस है उनके लिए भी आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपके साथ सिर्फ इतना पैसा इकट्ठा करना काफी नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, उसके लिए भी पैसा आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ और पैसे भी चेक कर लें कि वो भी है या नहीं है। क्या चीज़ है वो हमारी, वो है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्लियर है। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल जो आप लगाएंगे इसमें भी ये डिपेंड करता है आपकी दो चीज़ों पे कि कितनी वर्किंग कैपिटल लगाएंगे। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तब तो पूरी 100% वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। से मुझे 2 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है, तो 2 लाख रुपए मेरी वर्किंग कैपिटल होगी, नहीं होगी वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी बिजनेस में हूँ, ऑलरेडी बिजनेस में, पहले जो बिजनेस मैं कर रहा था या पहले जिस मशीन से मैं बिजनेस कर रहा था, ओल्ड मशीन से, उसकी कैपेसिटी कम थी, लेकिन कुछ तो स्टॉक मेरे पास हो सकता है पहले से पुराना पड़ा हो ना, हो सकता है 50,000 का मेरे पास पहले से स्टॉक पड़ा होता था, पुरानी मशीन भी तो थी मेरे पास, तब भी तो कुछ स्टॉक रखा होगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट आ गई 2 लाख की, तो अगर मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप को, अपग्रेड कर रहा हूँ, तो पूरी वर्किंग कैपिटल नहीं लेनी। उस केस में कौन सी वर्किंग कैपिटल लेंगे, सिर्फ जो इस नए प्रोजेक्ट को लेने से बढ़ोतरी हुई है वर्किंग कैपिटल की सिर्फ वो लेंगे, जिसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ जाएगा तब, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। न्यू प्रोजेक्ट में ये पूरी ही एडिशनल होगी, न्यू प्रोजेक्ट में तो ये पूरी की पूरी एडिशनल होगी, लेकिन अगर ओल्ड प्रोजेक्ट से आप न्यू प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो जो इंक्रीज हुआ सिर्फ वही यहां पे आ पाएगा। मेरे को 2 लाख रुपए रखना है, मेरी दुकान में 50,000 का तो सामान पहले से पड़ा है, मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अब कितने का नया सामान खरीदना पड़ा, अभी जेब में कितना पैसा होना चाहिए, अभी तो सिर्फ 1.5 लाख ही होना चाहिए ना, 50,000 का तो सामान पड़ा ही है, उसके लिए तो मुझे कोई कॉस्ट नहीं करनी है खर्च, ठीक है, बात में आ गई है। तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है? तो अगर आपको इसके अंदर कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज जो है उसको पूरा करना है, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्सेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उस फिक्सेट के, उसके बाद काम शुरू होगा उसका अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, वरना वो काम नहीं होगा। वो है सेल प्राइस ऑफ ओल्ड सेट, इसको अगर महंगा बेचा तो उसमें आपको टैक्स लग जाएगा, उसके भी पैसे भरने पड़ेंगे, लॉस हो गया, टैक्स सेविंग हो जाएगी, उसके आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, और अलग से एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि सक्सेस हो जाएगी तो हम दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। जो दूसरा हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोस। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का मतलब है हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे अब बेनिफिट क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट तो कर दी ना आपने, पैसा तो आपने लगा दिया, तो पैसा कुछ पाने के लिए लगाया होगा ना, ऐसे बहाने के लिए तो नहीं लगाया होगा। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको रिटर्न में क्या रिकवर होगा उसकी बात होगी, इनिशियल कैश इनफ्लो। पहले वाला जो आपने इन्वेस्टमेंट किया रियलिटी में ये आउटफ्लो है, इसमें आपका कैश क्या होने वाला है, जाने वाला है। अब आपका ध्यान कहाँ पे होगा कि अब उसको जानने तो के बाद अब आएगा क्या, अब आने क्या वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा आउटफ्लो है और सेकंड उसके बाद जो ईयर है वह कौन सा है, हमारा इनफ्लो। अच्छा, खास बात है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो जो है वो मेनी टाइम्स होगा, आउटफ्लो तो वन टाइम होगा लेकिन इनफ्लो तो उसका हर साल ही होगा। 10 साल के लिए आपने प्रोजेक्ट लगाया तो आउटफ्लो होगा 1 ईयर और इनफ्लो होगा 10 ईयर्स, ठीक है। ये किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इसको निकालने के दो तरीके, दो वे हो सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वे है डायरेक्ट वे, जिसके अंदर हम देखते हैं डायरेक्टली हम कितना कैश जनरेट कर पाते हैं। सबसे पहले आप सेल्स करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट शुरू किया है तो हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो प्रोडक्ट बेच के पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी सेल कितनी हुई, सेल में से अपने सारे खर्चों को घटा दें, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रॉफिट है वही तो रिटर्न है आपका। तो सेल्स में से कौन कौन से एक्सपेंस माइनस होंगे, हमारे दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, कई तरीके से नाम बोले जा सकते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डिफाइन किए जा सकते हैं, दूसरा वेरिएबल और फिक्स की कैटेगरी में भी डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या फिर फिक्स एंड वेरिएबल, वही खर्चे अलग अलग टाइप से बताए जाते हैं,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक टाइप जो कि है वेरिएबल एंड फिक्स, क्योंकि इसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन वगैरह पे भी कई बार ध्यान देंगे, इसलिए इसके अंदर हम दो तरह के खर्चे बनाएंगे। जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, या तो वो फिक्स होंगे या तो वो वेरिएबल होंगे। फिक्स एक्सपेंस कौन से होते हैं? फिक्स एक्सपेंस वो होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है सेल से। आपका सामान चाहे कम बिके चाहे आपका सामान ज़्यादा बिके, आपका खर्चा उतना ही मेंटेन रहेगा, उतना ही कांस्टेंट रहेगा, तो फिक्स एक्सपेंस है। लाइक रेंट ऑफ द शॉप, आपकी शॉप का रेंट जो है वो एक फिक्स एक्सपेंस है। आपके पास 10 ग्राहक ज़्यादा आ गए तब भी उतना ही रेंट देना पड़ेगा, और 2 ग्राहक कम आ गए तब भी आपको उतना ही रेंट देना पड़ेगा। आपकी एक सेल्स क्वांटिटी इस महीने ज़्यादा होगी तब भी वही रेंट है, अगले महीने कम होगी तब भी वही रेंट है। इसका ना इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बार फेस्टिवल सीजन था, हमने अपनी दुकान 2 घंटे ज़्यादा देर खोली तब भी वही रेंट है। अगला सीजन ऑफ सीजन है, हमने और 3 घंटे पहले दुकान बंद कर दी तब भी रेंट उतना ही है। तो ये आपका फिक्स एक्सपेंस है। एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल होता है जो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। ज़्यादा सामान अगर बेचने तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम सामान बेचने है कम कॉस्ट आएगी। लाइक मटेरियल की कॉस्ट, अगर मेरे को ज़्यादा पीस बेचने हैं तो खरीदने भी तो ज़्यादा पड़ेंगे ना, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा मंगानी पड़ेगी, उनकी वैल्यू अमाउंट ज़्यादा होगा। और कम अगर सेल होगी तो मैं कम ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो मेरी कॉस्ट जो है वो कम होगी, कम पैसे लगेंगे मेरे। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो हम अपने क्या करने वाले हैं? दोनों टाइप के एक्सपेंस माइनस करने वाले हैं। एक तो पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस, दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कैश में खर्च हुए पहले वो वाले। ठीक है जी, तो ये हमने फिक्स भी कर दिए और फिर वेरिएबल कर दिए। एक चीज़ और होती है जो कि नॉन कैश होती है लेकिन एक्सपेंस होती है, वो होता है डेप्रिसिएशन, बिजनेस को चलाने में के डेप्रिसिएशन। तो अभी तक मैंने कौन से एक्सपेंस माइनस किए जो कैश इन नेचर है? एक बिजनेस में एक और खर्चा होता है जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसे भी क्या कर देंगे इसमें से? माइनस कर देंगे। जैसे ही आप ये माइनस कर देंगे आपके पास अब ये नेट प्रॉफिट आ गया। फिक्स भी माइनस कर दिए, वेरिएबल भी माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिए। तो आप क्या वहां पे पहुंच गए? फिलहाल नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए, सभी खर्चे माइनस हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के बाद ये पैसा अपनी जेब में रख लोगे क्या? अगर कुछ कमाया तो फिर सरकार अपनी झोली फैला देगी, भैया हमारी झोली में भी कुछ डालो, इनकम टैक्स डालो। तो आपने जो पैसा कमाया वो पूरा पैसा आपके पास एज ए रिटर्न नहीं जा पाएगा, आपको उसमें से कुछ क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो माइनस अब उसमें से क्या कर देते हैं? जो टैक्स दिया वो माइनस कर देते हैं, जो टैक्स दे दिया उसको माइनस कर देते हैं। क्लियर है बात ये? अच्छा, टैक्स देने के बाद अब पैसा जेब में डाल सकते हैं, अब जेब में डाल सकते हैं, लेकिन आपने जितना यहाँ पे बैलेंस निकाला उससे ज़्यादा कैश आपके पास इकट्ठा हुआ होगा। जितना कैश यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आपने एक चीज़ इसमें ऐसी माइनस की है जिसके अंदर जो कैश खर्च किया है वो ऑलरेडी हो चुका है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आपको दोबारा से कैश खर्च नहीं करना पड़ा। डेप्रिसिएशन तो आपकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई थी 6 लाख 5 लाख की, उसी का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हुआ है, वो खर्च ऑलरेडी हो चुका है। वो दो बार माइनस नहीं होगा, क्योंकि पहले भी माइनस, देखो पहले टोटल माइनस किया था आपने, अब वो दोबारा से नहीं जा रहा, वो ऑलरेडी जा चुका है, वो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था। वो कैश एक्सपेंस ही नहीं है, उसमें कैश लगा ही नहीं है। इस बार कैश आपका लगा है यहाँ पे और आपका कैश लगा है यहाँ पे, यहाँ पे कैश नहीं लगा था, इसलिए मैंने अलग से माइनस किया कि भैया ये पहले कैश एक्सपेंस घटाए, अब मैं नॉन कैश भी घटा रहा हूँ। तो ये क्योंकि नॉन कैश है, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड भी करना पड़ेगा। आपको कहे सर जब ऐड ही करना था तो घटाए क्यों था? क्योंकि आप तो देखो कट जाएगा ये, तो आपस में माइनस का डेप्रिसिएशन और प्लस का डेप्रिसिएशन तो कट गया इसके अंदर, इसको बेकार में आपने एक स्टेप बढ़ा दिया। करने की जरूरत क्या थी? इसको करने की जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। क्यों करना जरूरी था? क्योंकि टैक्स तक पहुंचने के लिए पहले मुझे इतना पता लगाना चाहिए। टैक्स तो मैं अपने नेट प्रॉफिट पे दूंगा ना, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये अलाउड होता है। तो मैं अगर ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा और टैक्स दूंगा तो ज्यादा टैक्स नहीं आएगा मेरा, मेरी इनकम ही बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो सही इनकम टैक्स देने के लिए जानने के लिए पहले मैंने डेप्रिसिएशन को घटा दिया ताकि मेरा सही प्रॉफिट आ जाए। जब सही प्रॉफिट आ गया तो मैंने सही टैक्स दे दिया। जब टैक्स मैंने दे दिया तो चुपके से उस डेप्रिसिएशन को वापस बुला लिया, भैया तू वापस आ जा, तू तो जो है वो क्या था? नॉन कैश था। तुझे घटाया इसलिए किया था क्योंकि टैक्स निकलना था। अब टैक्स दे दिया, अब तू वापस आ जा। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया उसी डेप्रिसिएशन को वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस भी करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, सम टाइम, लेकिन बीच में ऐसा भी होता है किसी किसी साल में, नॉट एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर,
किसी किसी साल में आपको अपनी मशीनरी के अंदर कुछ कंप्रीहेंसिव जो है वो चेंजेस लाने पड़ जाते हैं, या कुछ है, आपको बीच में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती कि आपने शुरू कर दिया, बीच में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और री इन्वेस्ट करने की, कुछ नया पैसा डालने की। आपने सोचा था कि 3 साल तक हमारी सेल जो है वो ग्रो करेगी, उसके बाद एक बड़ी इंस्टॉलेशन और करनी पड़ेगी या कोई बड़ा एक्सपेंस और करना पड़ेगा, तो बीच में मिड ऑफ द ईयर भी आपको कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स मैंने न्यू मशीन इंस्टॉलेशन टाइप के कुछ आइडिया, कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, नहीं पड़ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना, जो बीच में आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई, वो तो बीच में हुई, तो जिस साल आपकी वो इन्वेस्ट होगी उस साल के कैश फ्लो से उसकी पेमेंट कर देंगे। जो पैसा आया उसमें से जो पैसा हमारा इन्वेस्ट दोबारा से हो गया उसको क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि बचत हमारे पास, कैश कितना इकट्ठा कर पा रहे हैं हम वो जानना चाहते हैं ना, गया इतना कैश, अब आएगा कितना कितना। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ सकता है, इसमें एक चीज और माइनस करनी पड़ सकती है, वो हो सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरी ईयर नहीं होंगे, किसी स्पेसिफिक ईयर में हो सकते हैं, लाइक आफ्टर 5 ईयर्स देर विल बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख रुपीज, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। तो 4 साल तक तो यही फिगर रहेंगी, 5वें साल में बस 2 लाख रुपए जो आपको है एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, फिर छठे साल से फिर नॉर्मल वर्किंग पे आ जाएंगे, छठे साल से फिर नॉर्मल वर्किंग पे आ जाएंगे। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से अगले साल के डेप्रिसिएशन पे भी फर्क पड़ जाएगा फिर, क्योंकि आपने न्यू मशीन इंस्टॉल की, तो अगले साल से आपका डेप्रिसिएशन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन भी फिर आ जाएगा। लेकिन नॉट इन एवरी ईयर, नॉट इन एवरी ईयर, बट किसी स्पेसिफिक ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर एडिशनल हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके थे, ये तो एक तरीका हमने किया, एक और तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में क्या है कि आपको पहले ही नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो बनता ही है, फाइनल अकाउंट बनता है तो आप क्या करते हैं, ये काम तो हमने फाइनल अकाउंट का मैनुअल खुद किया कि सेल लेकर आए, परचेज लेकर आए, एक्सपेंस लेकर आए, सारी चीज़ें खुद लिखी। वो कह सकता है जी इतना करने की जरूरत नहीं, हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही दे देते हैं, उसकी कॉपी दे देते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिख लेना, हमने पीएनएल अकाउंट बनाया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसके अंदर एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, उसमें क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट जो है वो साफ साफ नजर आएगा। नेट प्रॉफिट का मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सब दे दिया हमने, नहीं दे दिया, नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आपने सारे वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, और आपने इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सब दे दिया, तभी तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। हम कहेंगे जी नेट प्रॉफिट आपको दे दिया, जब नेट प्रॉफिट तुम्हें मिल जाए तो समझ जाना कि तुमने डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट सब दे दिया। तो आपको क्या करना है, जो चीज नहीं माइनस करनी थी उसको वापस प्लस कर दो। क्या माइनस नहीं करना था हमने, डेप्रिसिएशन, वो तो हमने इनकम टैक्स सही दे इसलिए माइनस किया था। तब क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे भैया वो फिर जो अब क्या करना है, नेट प्रॉफिट तो निकल ही चुका है, नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इनकम टैक्स देने के बाद आते हैं, तो इसके आगे के स्टेप हम कर देते हैं। आगे का क्या स्टेप है, क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक चीज लेकिन और ऐड करना, अगर आपने लोन लिया था, अगर आपने लोन लिया था तो आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसका ब्याज भी माइनस किया होगा, बोलो क्या होगा या नहीं होगा। अगर लोन नहीं लिया तो नहीं, क्या होगा, मैंने इस बार कोई लोन नहीं लिया, ऐसा कुछ डाला नहीं कि मैंने इसमें इंटरेस्ट को माइनस किया नहीं। लेकिन अगर लोन लिया भी होता तब भी मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करता, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस की कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं है। मैं इस प्रोजेक्ट से क्या पैसा ले पा रहूंगा, मुझे उस पर फोकस करना है, ना कि ब्याज का भरा पैसा उस पर फोकस करना है, वो अदर कॉस्ट है। मुझे देखना है ये प्रोजेक्ट अगर मैंने शुरू किया अभी अपने पैसे से करूं या दूसरे के पैसे से करूं, मुझे रिटर्न तो इतना आएगा ना। अपना पैसा होगा तो मैं सारा पैसा जेब में डालूंगा, ब्याज का पैसा होगा तो कुछ ब्याज देना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये प्रोजेक्ट में अर्निंग पावर कितनी है मैं वो जानना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल है। ब्याज का पैसा मेरे पास फाइनेंस की कमी के कारण दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है, वो प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है, वो मेरी वीकनेस है, फाइनेंशियल वीकनेस है। प्रोजेक्ट में अर्निंग पावर क्या है मैं वो जानना चाहता हूं। मैं अभी ये नहीं जानना चाहता कि मुझे जेब में नेट कितना बचेगा, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट कितना कमा ना सकता है। तो क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरी फाइनेंस कॉस्ट है, वो मुझे अभी एट प्रेजेंट माइनस नहीं करनी है, उसको माइनस करेंगे बाद में देखेंगे उसके बारे में क्या करना है। लेकिन प्रोजेक्ट की कॉस्ट वो नहीं है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, प्रोजेक्ट के ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन जो ब्याज है वो हो सकता है, हो सकता है ना हो, तो जो चीज हो सकती है और नहीं हो सकती है इसका ना वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ही नहीं।
तो मुझे इंटरेस्ट जो है माइनस नहीं करना, मैंने ऊपर इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, अगर है तब भी नहीं करूंगा मैं माइनस। लेकिन अगर किसी ने मुझे पीएनएल दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, तब तो माइनस ही करके दिया होगा ना उसने। उसने थोड़ी हमारे हिसाब से कैलकुलेशन की होगी, उसने तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से कैलकुलेशन की होगी। उसने प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग बनाया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं, और उसमें इनकम टैक्स माइनस हुआ हो, सॉरी ये इंटरेस्ट जो है माइनस हुआ होगा, डेफिनेटली माइनस हुआ होगा। तो अगर आपको अगर इनकम सॉरी इंटरेस्ट का अमाउंट नजर आ जाए तो उसे भी क्या कर देना है, हम कहेंगे भैया तुझे तो माइनस होना नहीं चाहिए था, तुझे क्या कर लेंगे, तुझे प्लस कर लेंगे। तो हम इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट दिया होगा तो उससे आपकी इनकम कम नहीं हुई होगी क्या? अगर आपने इंटरेस्ट दिया होगा तो उससे इनकम कम हुई होगी या नहीं हुई होगी? इनकम कम हुई होगी। और अगर इनकम कम हुई होगी तो उसकी वजह से टैक्स भी कम गया होगा, उसकी वजह से टैक्स भी। से मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो हुआ, प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो 10,000 था, तो प्रॉफिट कितना बचेगा मेरे पास, मेरे पास प्रॉफिट, मैं मान लेता हूँ मेरा प्रॉफिट से 1,10,000, ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। मेरा प्रॉफिट कितना कमाया था बिफोर इंटरेस्ट, 1 लाख, बाद में मैंने क्या दे दिया, 10,000 का इंटरेस्ट, तो आफ्टर इंटरेस्ट कितना रह गया, ये है आफ्टर इंटरेस्ट। अच्छा, सरकार ने बोला जी टैक्स लगेगा, मैंने पूछा कितने परसेंट, उन्होंने बोला 40%। अच्छा, 40%, तो जो मेरे पास ये प्रॉफिट है उसका मुझे 40% टैक्स भरना पड़ेगा। कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 40,000। तो मेरी जेब में कितना पैसा रचेगा, मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 60,000। अच्छा, अब मैं इस इंटरेस्ट को इग्नोर करके सेम कैलकुलेशन करता हूँ। प्रॉफिट हमने कितना कमाया, 1,10,000, इंटरेस्ट कितना दिया, कुछ भी नहीं। अगर ब्याज नहीं देना पड़ेगा तो क्या होगा, नहीं देना पड़ेगा तो मेरी इनकम कितनी आ जाएगी, 1,10,000। अच्छा, अब मुझे इस पर टैक्स तो 40% देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा वो, 44,000। फाइनल मेरी इनकम कितनी हो गई, 66,000, 66,000। अच्छा, फाइनल जो रिजल्ट है उनको कंपेयर कीजिए और उसमें देखिए कि आपका डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, 6,000, जबकि इंटरेस्ट तो वही 10,000 हमने हटाया, तो डिफरेंस 10,000 का क्रिएट होना चाहिए था। हमने इसी बीच में देखो इंटरेस्ट में कितना गैप है, इंटरेस्ट में गैप तो 10,000 का ना, तो फाइनल प्रॉफिट में 10,000 का फर्क क्यों नहीं पड़ा, फाइनल प्रॉफिट में 6,000 का ही फर्क क्यों पड़ रहा है, पूरा क्यों नहीं पड़ा भाई, 10,000 का इंटरेस्ट गायब किया तो डिफरेंस 10,000 का क्यों नहीं आया? आपको कि सर टैक्स भी तो चेंज हो गया, फिर जब आपने इंटरेस्ट दिया तो आपकी इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम हो गया, जब आपने इंटरेस्ट नहीं दिया आपकी इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी साथ साथ बढ़ गया। इसका मतलब जो इंटरेस्ट 10,000 था, 40% टैक्स के बाद उसका इफेक्टिव रेट 60% पे आ गया, 40% टैक्स है ना, तो इसका एक्चुअल में इंटरेस्ट मेरे को जो कॉस्ट पड़ी वो पूरे 10,000 नहीं पड़ी, 10,000 का 40% मुझे सेव हो गया, और सेव होने के बाद ओनली 60% कॉस्ट पे ही आ गया, 60% ही तो गया मेरी जेब से। तो एक तरह से अगर इंटरेस्ट देता तो मेरे को मिल जाते 60,000, इंटरेस्ट मैंने नहीं दिया तो मुझे मिले कितने, 66,000। मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट 10 थी लेकिन मुझे 6 पड़ रही थी, मेरा नेट 6 का डिफरेंस क्रिएट कर रही थी वो। बात समझ आ रही है? तो अगर आप इंटरेस्ट ऐड करेंगे 100% कैसे ऐड कर लेंगे, 100% तो आपको कॉस्ट ही कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपने टैक्स दिया है तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से कम आपको इफेक्ट डाला होगा। तो जब मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, 1 माइनस टैक्स रेट को हटा के माइनस करूंगा, तो ऑब्वियसली 60% आ जाएगा अगर 40% टैक्स है। अगर 30% टैक्स है तो मैं इंटरेस्ट का 70% ही ऐड करूंगा, 20% टैक्स है तो मैं इंटरेस्ट का 80% ही ऐड करूंगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैंने कितना परसेंट टैक्स दिया। 100% मैंने जब दिया नहीं तो जोड़ कैसे 100% लूँ, देता तो 100% लेकिन उसका इफेक्ट मेरे पे 100% नहीं पड़ता, बल्कि टैक्स के परसेंटेज के कारण वो चेंज हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये काम तो हमने कर लिया, अब उसके बाद क्या, उसके बाद वही कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो ही सकता है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है तो क्या करेंगे, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ एनी। ये वाला काम तो हमारा यहां तक पहुंचा देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अलग बात थी, वो तो अलग से ही माइनस करने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? तीसरी चीज होगी टर्मिनल कैश फ्लो, मोस्टली ये पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होते हैं, टर्मिनल कैश फ्लो जब आप एक प्रोजेक्ट को खत्म कर देते हैं,
से आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि 10 ईयर्स तक आपको रन करना था। फर्स्ट ईयर जीरो ईयर में, फर्स्ट ईयर भी कौन से ईयर में, जीरो ईयर में आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अच्छा वर्किंग होगी, क्योंकि पैसा गया एक बार आएगा अब 10 बार। अच्छा, जब ये 10 बार की वर्किंग पूरी हो जाएगी उसके बाद लास्ट में भी आपको एक एडिशनल, सिर्फ लास्ट में आपको एक एडिशनल भी इनफ्लो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसे इन्फ्लो आएंगे, अब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो जो आपने नई असेट खरीदी थी उसको भी अब रख के क्या करना है, नई असेट से आपने 10 साल बिजनेस कर लिया ना, ये जो न्यू असेट इंस्टॉल कराई थी, अब ये जब इसका काम खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, उसे सजावट के लिए रख लेंगे अपने पास, हम उसको भी क्या करेंगे, स्क्रैप कर देंगे, स्क्रैप करेंगे। तो इसका अलावा क्या करेंगे हम, अब हम लास्ट में जो हमारी रिकवरी हो सकती है प्रोजेक्ट के एंड की उसको लेना शुरू करेंगे, जिसमें लिखेंगे सबसे पहले सेल प्राइस ऑफ असेट जो आपने न्यू परचेज की थी, ये जो आपने असेट की थी, एक्चुअल में सेल की वजह क्या हो जाएगा, ये उसका अब इस समय स्क्रैप बन जाएगा, ठीक है, स्क्रैप ऑफ न्यू असेट, ये अब न्यू नहीं है लेकिन जहां पे मैंने टर्म डिफाइन किया उसके हिसाब से स्क्रैप का मतलब हमने उसको क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। अच्छा, एक बार बताइए, स्क्रैप जब आप बेचोगे तो क्या फिर से जरूरी है कि आपकी बुक में जो वैल्यू लिखी है उसके बराबर में भी, वो उससे कम में भी हो सकता है, और अगर कम ज़्यादा हो गया फिर से कैपिटल गेन के अंदर आ जाएंगे हम, फिर से इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अब अगर हमें कैपिटल गेन हो गया तो ये सारा का सारा पैसा जो आपको रिकवर होगा उसमें से थोड़ा सा पैसा कैपिटल गेन में निकल जाएगा टैक्स भरने में, तो क्या मैं माइनस करूँगा, माइनस करूँगा टैक्स ऑन कैपिटल गेन, जो पैसा आया अगर वो ज़्यादा पैसा आ गया तो उसमें से क्या कर दूंगा मैं, टैक्स ऑन कैपिटल गेन माइनस कर दूंगा। और अगर मेरे को इसके अंदर लॉस हो गया तो मैं उसके अंदर सेविंग का बेनिफिट लूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस करूंगा टैक्स ऑन कैपिटल, सॉरी सेविंग्स ऑन, सेविंग्स ऑन कैपिटल लॉस, अगर कैपिटल लॉस हो गया तो अपनी सेविंग्स ले लूंगा, प्लस कर लूंगा, मेरा कैश और इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आपने अपने पास स्टॉक में डेटर में भी कुछ पैसा ब्लॉक कर लिया था, स्टॉक खरीद के बैठे थे, डेटर्स को फाइनेंस कर रहे थे, अब वो पैसा आपका हर साल ब्लॉक रहा था, से मैंने 2 लाख रुपए का इसके अंदर एडिशनल वर्किंग कैपिटल डाली थी, तो 2 लाख रुपए मेरे फंसे ही हुए थे, क्योंकि स्टॉक तो मुझे हमेशा ही मेंटेन करना पड़ रहा था, बिक गया फिर ला के रख दूंगा, फिर बिक गया फिर ला के रख दूंगा, फिर बिक गया फिर ला के रख दूंगा, लेकिन वो 2 लाख रुपए मेरे पास हमेशा स्टॉक पड़ा ही था, बिकता था खत्म हो जाता था मैं फिर ले आता था, फिर बिकता था मैं फिर ले आता था, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए का आपके पास स्टॉक का बैलेंस हमेशा मेंटेन रहा जो कि परमानेंट आपका था। अच्छा, आखिरी साल में भी बिकने के बाद फिर से लाकर रखोगे क्या उसको, आपको सर वो बिक का पैसा जेब में डाल लेंगे, अब आखिरी बार में हमें उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको लास्ट ईयर में जो वर्किंग कैपिटल में पैसा डला था वो वापस पॉकेट में रिकवर हो जाएगा, जो अभी तक रिकवर नहीं हो रहा था। तो आपने क्या, जो भी आपने वर्किंग कैपिटल डाली थी, वर्किंग कैपिटल, वो आप बैक ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल जो भी आपने डाली थी उसको क्या कर लेंगे, वापस अपनी पॉकेट में ऐड कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो जब आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिकवर हो जाएंगी, ये लास्ट में होंगी सिर्फ और वन टाइम होंगी, ये वन टाइम होंगी और सबसे पहले होंगी, और ये सब्सिक्वेंट जो है वो रिकरिंग होंगी, बार बार होंगी, और ये जितने टाइम का प्रोजेक्ट होगा उतने टाइम होंगे। टर्मिनल के टाइम आपको एक इंस्टॉलमेंट इसकी भी मिलेगी, टर्मिनल के वक्त आपको एक इंस्टॉलमेंट इसकी भी, क्योंकि 10वें साल में अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो 10वें साल के पैसे ये भी आएंगे प्लस 10वें साल में ये एडिशनल हो जाएगा, 9 साल तक सिर्फ ये अकेला रहेगा, 9 साल तक अकेला, 10वें साल में एक इंस्टॉलमेंट ये और एक आगे टर्मिनल, दोनों को मिलकर आपको कंसोलिडेट अमाउंट रिकवर हो जाएगा। क्लियर है सबको, पहले ये टर्म्स इनको नोट करें फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, करें शुरू। तो एग्जाम्पल 3.1 पेज नंबर 51 या 52 पे होगा, जिसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 6 लाख, जो कि करेक्ट करके हमने 5 लाख कर लिया है। इट हैज़ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, जिसकी लाइफ 5 ईयर्स रहेगी। आफ्टर विच इट वुड बी डिस्पोज ऑफ स्क्रैप वैल्यू नील, जिसके बाद वो बिना किसी स्क्रैप के बिकेगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1,75,000। हमने प्रॉफिट ही कमा लिया है बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब सेल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इतना माइनस करके प्रॉफिट उसने दिया है,
तो इसका ना इसके आगे के स्टेप भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको सब्सिक्वेंट निकालना है तो। और कह रहे हैं फाइंड आउट द ईयरली कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट गिवन द टैक्स रेट इज 30%। आपको टैक्स रेट 30% भी फेस करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं जो उसने पूछी नहीं है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी 5 लाख रुपये मेरी पॉकेट से जाएंगे। और तो कुछ इसमें दिया नहीं आपने, ना इंस्टॉलेशन, ना सेल का ओल्ड का वैल्यू, और ना ही कोई एडिशनल हमारी वर्किंग कैपिटल। तो 5 लाख रुपये होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसने पूछी नहीं है। अब आ जाते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट में सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को आपने एडजस्ट करके क्या बोल दिया हमें, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, जो कि अमाउंट कितना बताया गया है, 1,75,000। हम इसके आगे देख रहे हैं क्या भाई, इसके बाद पहले डेप्रिसिएशन माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है, तो सीधा क्या माइनस करने वाला हूँ मैं, डेप्रिसिएशन। अब इस डेप्रिसिएशन की मुझे छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता दी है और उसकी लाइफ बता दी है। तो मैं अलग से यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5 लाख रुपये कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन आप कुछ दे नहीं रहे हो, स्क्रैप भी कुछ नहीं दे रहे हो, और इसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। इसका मतलब 1 लाख डेप्रिसिएशन पर एनम होगा बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें से 1 लाख रुपये डेप्रिसिएशन के माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आने वाला है ये, 75,000। ये मैं जेब में कैसे रख लूँगा, सरकार कहेगी भाई हमारे को टैक्स चाहिए, तो हम क्या करूँगे, इसी फिगर के ऊपर टैक्स निकालेंगे जो कि 30% होगा। अगर इसका 30% निकाला जाए कितना हो जाएगा वो, 22,500। माइनस करने पर आ गया मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ गया ये आ गया 52,500। लेकिन इसमें से एक ऐसा भी एक्सपेंस माइनस किया था जो कि नॉन कैश था, जिसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी, टैक्स निकालने के लिए माइनस किया था, अब उसको वापस ऐड कर लो। कौन सा अमाउंट ऐसा था जो आपने माइनस किया था, ये जो डेप्रिसिएशन था वो जो पहले माइनस हुआ था वही डेप्रिसिएशन वापस क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, उतना ही अमाउंट 1 लाख रुपया। तो हमारे पास कैश इनफ्लो जो आ गया, नेट कैश इनफ्लो वो आ गया 1,52,500। और ध्यान रखना इस कंपनी को ये क्वेश्चन में कैश इनफ्लो सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, ये 5 ईयर्स तक मिलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने लाइफ इसकी कितनी मानी है, 5 ईयर्स। तो 5 साल तक ये रकम इनको हर साल रिकवर होगी, ऐसा हमें मान के चलना है। क्लियर है सबको, कंप्लीट है।